हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान व्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से, और अभी मेरे सुबह के सारे कामकाज निपट चुके हैं, नाश्ता पानी भी हो चुका है और मेरा नहाना धोना भी हो गया है। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है अपनी गौशाला में जाने की, क्योंकि कल कमेंट में कोई बोल रहा था कि आपने बहुत दिन से अपनी गौशाला की सैर नहीं करवाई है और आपके कौन कौन से पालतू जानवर हैं वो भी हमें वीडियो में बताना। तो अभी मैं गौशाला में जा रही हूँ क्योंकि मम्मी लोग भी घास लेके आ गए हैं और अभी सभी भैंसों को पानी पिलाएंगे, नीचे गदेरे में लेके आएंगे। तो वहीं पे चाची लोगों से मिलाती हूँ और साथ साथ में वहीं पे अपनी भैंसें भी आप लोगों को दिखाती हूँ। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे उन्होंने तो गौशाला भी देखी हुई है, भैंस भी देखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नए नए जुड़ते रहते हैं तो उनको नहीं पता रहता है, तो उनको दिखाने के लिए अभी मैं जा रही हूँ गौशाला में। बाकी एक और कमेंट आया हुआ था कि आपके ताई जी ताऊ जी मुंबई सही सलामत पहुँच गए हैं, कब पहुँचेंगे? तो वो कल रात को पहुँच गए हैं और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोगों को इतनी फिक्र रहती है हमारी फैमिली की तो दिल से सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो लोग कल शाम को पहुंच गए हैं बिल्कुल सही सलामत और ताऊ जी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं चलती हूँ गौशाला में, वहीं पे सभी से आप लोगों को मिलाती हूँ। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हमारी सिंगर चाची मिल गई हमको यहीं गदेरे पे। हेलो चाची जी। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, तो दोस्तों हम घास लेके आ गए हैं, देखो पानी पिला रहे हैं। कहाँ जा रहे थे घास के लिए? आज वहाँ चंगा जा रहे थे, यही डोवा गेर। अच्छा, डोवा गेर बोलते हैं वहाँ। पहचान लेगा डोवा गेर। तो अभी यहाँ पे अपनी काली को पानी पिलाने के लिए आ रखी है चाची, तो इसको नहलाएंगे धुलाएंगे उसके बाद ले जाएंगे घर। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला में और पानी का बर्तन लेके भी मैं आ रखी हूँ, यहीं से धारा से पानी का बर्तन भी लेके जाऊंगी। और बाकी हमारा घर है यहाँ पे, ये देखो ब्लू कलर का, और हमारी गौशाला है इधर। तो इतनी दूर हमारी गौशाला है घर से। मम्मी चाची लोग भी आ गए हैं घास से, सिंगर चाची ने तो पानी पिला दिया भैंस को, लेकिन हमारी काली और सोनी यहीं पे हैं। हेलो सोनी की मालकिन। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी को अच्छे होंगे, आप भी बहुत अच्छे हैं। नहीं दोस्त, अभी सिंगर चाची की भैंस भी तो धूप आ गई थी तो वो पानी पीती है। हाँ। इन दोनों का अभी धूप नहीं तो ये धारा जाके पानी नहीं पी रहे। हाँ, इसीलिए तो हम दोनों, इनको धूप लगेगी, हम 12-1 बजे आएंगे इनको नहाने। हाँ, तभी पियेंगे पानी, तभी पियेंगे ये पानी, नहीं तो घर में लग रही इनको प्यास, तब धारा से लाओ, धारा से लाओ, और वहाँ नहीं पी रहे हैं पानी, भाग रहे, ऐसी रेस लगा रहे हैं दोनों। आप भी डोवा गिर गए थे? हम भी डोवा गिर गए थे, कहाँ जाना है, डोवा गिर जाना सब। दोस्तों मैं भी डोवा गिर, ये हमारी माता श्री। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक? दोस्तों तो जंगल से घास लेके आ गए सिंगर चाची, तो ले गई अपनी भैंस। हाँ। तो हमने सोचा थोड़ा धूप लगेगी तब भैंस पानी भी पीती है, अभी तो यहाँ पे बिल्कुल छाया है। हाँ, और मैं थोड़ा वहाँ पे सब्जी के लिए थोड़ा खुदाई की थी मैंने कल, ये इसने मेरे साथ हेल्प की थी वहाँ पे, तो थोड़ा ये काला गोबर जो है ना उसको डालूंगी तभी तो सब्जी होगी। हाँ। हाँ। कोई बोल रहा था आपकी मम्मी बोल वीडियो स्टार्ट करते ही सबसे पहले बोलते बोल मैं घास लेके आई, क्योंकि हमेशा का काम होता है वो, इसीलिए आपसे नहीं बोलूंगी यार। नहीं नहीं, क्यों नहीं बोलना, जो काम करोगे तो वो तो बोलना ही है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात बोलते हो आप, क्यों नहीं, जो मेरी गलती होगी उसको भी बता देना दोस्तों। इसने धुआं लगा दिया यहाँ। हाँ, बोलो। वो मंदिर के लोटे, मैंने इनको बोला कि आज किसी भी हाल में हम मंदिर के लोटे आज या कल तक हम उनको सफाई कर देंगे भाई, सच में, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे हैं। और आप बोल रहे थे कि अपने पशु दिखाना, तो एक पशु तो ये है हमारा, ये हमारी सोनी, और ये है अपनी कमली, और एक जा रखी है काली नीचे, काली और उसकी लड़की, उसकी बालिका, यहाँ पे रहते हैं दोनों। सिंगर चाची की गौशाला यहाँ पे, हमारी यहाँ पे, और यहाँ पे चाची की, मतलब ये भी हमारी है लेकिन चाची को हमने किराए पे दे रखी है। हाँ, नहीं, ये हमारे पहाड़ों में किराया नहीं होता, मजाक कर रहे हैं। ये तो मजाक करे ना आप लोग, सच में मत लेना, तो सच आप लोग तो सच समझेंगे, हमारे पहाड़ों में किराया नहीं रहता। हाँ, प्यार प्रेम में, प्यार प्रेम में हो जाता है। तो ये मेरी बड़ी मम्मी की गौशाला है, तो चाची ने यहाँ पे बांधी रहती अपनी भैंस को। तो अभी ये गौशाला का काम निपटाते हैं, मैं चलती हूँ धारा पानी लेने के लिए। तो दोस्तों, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तो आप लोगों ने पास्ता, चाउमीन, नूडल्स खाए होंगे, लेकिन पहाड़ों के नूडल्स और पास्ता दिखाते हैं। देखो दोस्तों, ये देखो, ये होता है पास्ता, इसको हमारे गढ़वाली भाषा में उक्सु बोलते हैं। ये तो है मैक्रोनी, मैक्रोनी भी बोल सकते हैं, पास्ता कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, बोल सकते हैं। ये है चाउमीन, ये नूडल्स। कोई खाना खा रहा होगा ना अभी, उसको गिना रही होगी। तो दोस्तों माफ करना, क्या करूं मैं, आप लोग बोल रहे होंगे कि कैसे टच कर रहे हैं ये देखो, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं टच करने में, बहुत अच्छे देखने में, बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखने में गिरा तुम ले पकड़ा ना, देखने में बहुत अच्छे, इनको डर लगती है, ये मैं ले रहा हूँ पुन पड़ी पुन पार पड़ी ये भी ये भी
चाची को कितनी डर लग रही है उससे। डरने लगती दोस्तों, मुझे उससे बहुत घिनाती है। डरने लगती इसको, बहुत डर लगती है। पास है एक साइड मम्मी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं काम पे, और यहाँ पे हमारी श्रीनगर वाली चाची भी आ गई हैं। हेलो चाची। हेलो दोस्तों, प्रणाम सभी को। आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। हाँ। मेरे कद्दू लगे थे यहाँ पे। हाँ। कद्दू लेने आई थी, वो घर ले गई। हाँ। इनको बोले यहाँ पे सफाई भी करो, कद्दू भी खाया इन्होंने। यहाँ पे है चाची की गौशाला, ये वाली, ये देखो। और यहाँ पे लगी हुई थी कद्दू की बेल, क्यों लड़ी होते है चाची कि नहीं है सुना दोस्तों। जो मैंने इसने दी थी मेरे को एक कतरी। हाँ। तो आपको पता हुआ जैसे आम को नहीं छिलता इधर से। हाँ। वैसी कतरी थी सिंगर चाचा, और मैंने कितनी खाई होगी एक समय। उस कतरी के बदले यहाँ साफ करना पड़ रहा है, इसको साफ करो। और छह में दी थी इसको मैंने, याद नहीं आज बोल रही है, छह में नहीं दी। हाँ। तो मैं जेठ जी को बोल रही हूँ कि आप वीडियो देखते हैं तो इस दीदी को बादाम खिलाओ। अरे दोस्तों, इसी साल नहीं हुई मेरे छह में, और ये छह में खा रहे हैं, मेरे को बोले कि नहीं दे रहे मेरे को छह में। ये वकील नहीं बोल दिया, इधर लगाओ कैमरा। दोस्तों मैं देखो इतना मोला का माध्यम बन रखी हूँ। हाँ। ये कीचड़ पिचड़ में, ये कंधे में रख रही है पल्लू, ये क्यों रखा है कंधे में? ऐसी मैं ऐसे पल्ला भी मैं सिर में रखती हूँ। अच्छा। भी जाती हूँ। हाँ। आपको हमेशा ऐसे बांधती रहती हूँ। ये श्रीनगर वाली चाची ना, इसलिए साइड से पल्लू रखती है। घर वाली चाची नहीं है, ये घर वाले ही है। घर वाले कमर पे बांधते हैं। चाची कभी श्रीनगर रहती है, कभी घर में रहती है, तो इसलिए चाची का नाम पड़ा हुआ है श्रीनगर वाली चाची। ठीक है, ये वो सोच में क्या पड़ा। ठीक जी। तो अभी यहाँ पे साफ सफाई चल रही है, ये देखो। तो अभी मम्मी लोग गौशाला से आ गए हैं, और सुबह मैंने चिल्ले बनाए थे, इसको हमारे गढ़वाली भाषा में छोलने रोटी बोलते हैं, तो एक एक मैंने इनके लिए भी बचा रखे थे। यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है, हमारी चाची कांडी की चाची। हेलो। हेलो, ठीक ठाक? ठीक। तो चाची को हमने बोला चाय पीने आ जाओ यहाँ पे, और ये हमारी धीरे बोलने वाली चाची कुर्सी में बैठी हुई है। बिल्कुल, कुर्सी में तो कमर दर्द हो रहा ना, इसलिए बैठी हूँ। क्या करूँ दोस्तों, ये चाय गले में लगी हुई है। हाँ। यहाँ से जाना है तो चाय पी के जाना है। जाना है, कभी ऊपर भी चली जाती हूँ, मैं सोचती हूँ, शर्म आती है ना मुझे। हाँ। तो मैं बहुत ऊपर तक चली जाती हूँ, ये फिर नीचे बुलाती है कि बंद रखी है चाय। जब तक मैं हूँ ना तब तक खा लो चाय। हाँ, में मेरे हाथ से बने हुए चीज। उसके बाद कहाँ से खाएंगे? उसके बाद मेरी मम्मी चाय भी पिलाएगी बहुत। मैं तो बोलती हूँ कि आ जाओ ऊपर, चाय भी आती नहीं है, कभी कभी आती है। अभी यहाँ पे मम्मी ने गेहूँ और मंडुआ रखा हुआ है सुखाने के लिए, फिर हम इसको देंगे चक्की में पिसाने के लिए, फिर खाएंगे कोदे की रोटी। फिर खाएंगे दोस्तों कोदे की रोटी। कोदे का आटा देख के गाना याद आ रहा है। आ रहा है याद, क्या था वो? कोद झंगोरु साटी उरखला कुठोण्यानी, ते बुढ़िया का लंबा जोंगा, ते बुढ़िया को मैं जानदुनी। दोस्तों ये मत बोलना, इसने अभी रोटी राटी खाई, ये गोबर डाला था मैंने सगड़े में। पहाड़ी ऐसे होते हैं दोस्तों, हाथ भी नहीं धोते। गोबर गोबर सब चले गया, गोबर तो सूख गया। रो रोटी खाई मैंने, वो सूखी थी ना ऐसे पकड़ के खाई। वो भिगाने वाली रहती तब तो नहीं खाती, पर ऐसे आड़ा मोड़ा किया उसका तब खाया। ऐसे तो पहाड़ी ऐसे होते हैं दोस्तों। तो अभी अनमोल भी आ गया है स्कूल से, और बाकी कल वाली वीडियो में अनमोल के लिए कमेंट आ रहे थे कि उल्टे हाथ से क्यों खा रहा है बल खाना, क्योंकि उल्टे हाथ पे चोट लगी थी, वो थोड़ा ठीक हो गई। हाँ, ये देखो यहाँ पे ना, दिखा हाथ, दिखा इसके हाथ पे ना, यहाँ पे चोट लगी हुई थी, तो अभी हम ट्यूब लेके आए थे तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था, तो इसलिए ये उल्टे हाथ से खा रहा था। सब लोग बोल रहे थे कि अनमोल उल्टे हाथ से खाता क्या हमेशा? हाँ ना, उल्टे हाथ से खाते हैं ना, जब चोट लगती तब उल्टे हाथ से। हाँ, तो ये रीजन है, ये रीजन है। तो बाकी अनमोल रहेगा घर पे, और हम लोग जा रहे हैं अभी खेत में। चलो, घर में क्या रोड पे बेचारा ने जगजोल साइकिल लिख रहा। दोस्तों अभी शाम के लगभग 4 बज रहे हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने सिमलासू वाले खेत में गोबर फैलाने के लिए, और साथ में है अपनी मुटकी। ये हंसाती रहती है बीच बीच में मेरे को, पता है, तभी तो मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ एक ही टेक में, फिर मुझे 2-3 टेक लेने पड़ते हैं, ऐसे हंसाती रहती है। खेत में जा रहे हैं क्योंकि बुताई तो कर दी थी, और जो गोबर रहता है खेतों में वो तो हमने खेत में नहीं डाला, भूल गई मैं। भूलना क्या था दोस्तों, टाइम ही नहीं मिलता है हर समय, दिन भर में भी अभी तक मैं सोती नहीं हूँ दिन में भी। मम्मी को तो पता नहीं, थकान भी नहीं लगती भाई। थकान भी लगी तो काम होता ना, आगे से खड़ा हो जाता है काम। पर फिर भी ना एक होता है कि थोड़ा बैठ जाती हूँ इस टाइम पे, नहीं काम तो काम। मुझे बहुत प्यारा है दोस्तों, आप हुए तो प्यारो। तो अभी हम चलते हैं अपने सिमलासो वाले खेत में। यहाँ पे हमारा खेत, तो वहाँ पे हमें गोबर फैलाना है, और ये देखो ये है तिमले का पेड़, अभी तो नहीं लगे हुए इसमें तिमले, अब लगते हैं कि लग गए। नहीं दोस्तों, ये तिमले का पेड़ है, इसपे होते हैं उस फल की तरह होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या, अंजीर की तरह फल होते हैं इस पे, पर वो अंजीर नहीं होता है। हाँ। हमारी किसी भाभी जी ने बोला था हरियाणा से
कि अंजीर होता है भाभी जी, अंजीर नहीं है, ये दूसरा फल है। अच्छा। अंजीर भी होता है पर बहुत कम पेड़ होते हैं अंजीर के हमारे वहाँ, तो सिली गाँव नहीं है उसके नीचे खेड़ा? नहीं, नहीं 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 अंजीर दूसरा होता है वो, खेड़ा भी तो नहीं बोला, नहीं वो जो उमरा होता है ना, उमरा का पेड़ नहीं होता है वो, हाँ तो वो होता है वो नीचे है, पर ये अंजीर नहीं है, ये है तिमला, इसको तिमला बोलते हैं, अंजीर भी होता है यहाँ पर बहुत कम पेड़ होते हैं अंजीर के। और यही ऊपर पे हमारी राज राजेश्वरी माता का मंदिर है और ठीक सामने पे शंकरनाथ भगवान का मंदिर। खेत में आए और अपने साथ कचर बचर ना लेके आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे साथ ये चटोरी है ना खाने वाले। हाँ, चटोरी तो नहीं, मेरे से चार चटोरी तो तू है। ये बोला किसने अभी लाने के लिए? मैं ये तो मैंने बोला था ना। हाँ तो क्या करें, कभी कभी मन करता है दोस्तों खाने का, कौन सा मैं डेली खाती हूँ। अभी हम लोग खेत में पहुंचे ही है, अभी कंडी से हम लोगों ने ना कुदाल निकाला ना कुछ, और यहाँ पे देखो सबसे पहले पेट पूजा है, पहले पेट पूजा फिर काम दो जा, पहले पेट पूजा दोस्तों तब काम दो जा, जब खाएंगे तभी तो जोश आएगा काम करने में। और यहाँ पे देखो ये छिंती गिरी भी है, इसको बोलते हैं छिंती। ये ऊपर जो चीड़ का पेड़ दिख रहा है ना, रुको मैं दिखाती हूँ, ये ऊपर है चीड़ का पेड़, तो उसका फल है ये, और इसके अंदर भी ना बीज होते हैं खाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बचपन में हम लोग खूब खाया करते थे। और ये जलाने के काम भी आते हैं, मतलब आग भी बहुत अच्छी जलती है इन पे, आग भी जलती है दोस्तों, और किसी का मन करे तो सजावट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, सजावट के लिए भी बहुत अच्छे लगते हैं ये, इसमें रंग बिरंगी रंग लगा के बहुत अच्छे दिखते हैं ये। मेरी माँ का नाम तो ना पुष्पानी अभियोर होना चाहिए था, पता है क्यों? सारे दिन भर लगी रहती है, जल्दी कर अभियोर बनी अभियोर बनी अभियोर, मतलब ना गढ़वाली में अभियोर बोलते हैं देर को, कि देर हो गई जल्दी कर, हर टाइम चाहे हम खेत में एक बजे भी आ जाएंगे ना, मम्मी बोले कि जल्दी कर अभियोर हो गई, तो इसलिए मेरी मम्मी का नाम है आज से अभियोर। ठीक है मम्मी, आपका नामकरण हो गया अभियोर। अभी और नहीं बोलना, आजकल दिन छोटे होते हैं बेटा, तो आपको पता नहीं। आजकल ही नहीं मम्मी, चाहे एक बजे भी आओ ना तब भी आपका होता क्या कलाम है। वो जेठ के महीने में नहीं बोलती मैं, पता है आपको। अभी घास भी निकालना है, थोड़ा पेड़ भी काटना है, पेड़ की टहनी भी। चलो गोबर फैला के दिखाओ पहले, कैसे फैलाते हैं कंडी से। कंडी से अभी कंडी भरी भी नहीं है, कोई बात नहीं, उतना ही दिखाओ। डालना है ऐसा, रखनी है कंडी कंधे में ऐसे कर, ऐसे हाथ में। अब देखो हाँ, अभी और का कमाल देखो, अब ये अभी और देवी, ये देखो ऐसे फैलाते हैं गोबर। ठीक है अभी और देवी, सिंगर चाची बोलती है मेरे को, जब वो मेरे को बोलती है ना, वहाँ गोबर डालना है खेतों में, तो ऐसे उठा के लाती है, मैं इधर उधर फैला बोलती है, दीदी तो एकदम से फैला देती है। नाम ही अभी और है तो देर क्यों करेगी, नाम ही अभी और रखा हुआ मैंने अपनी मम्मी का। तो आप लोग बताना आपकी मम्मी ऐसे करती है कि नहीं करती मम्मी के साथ। खैर आज तो हम लोग लेट ही में आए ना, 4 बजे हम लोग खेत में आ रहे हैं, लेकिन अगर कभी जल्दी भी आ जाएंगे ना अभी और वेग, जल्दी कर, हमेशा यही काम, तो इसलिए मैं मम्मी को बहुत बार बोलती हूँ कि आपका नाम अभी और रखना पड़ेगा। तो मम्मी क्या हाँ, तो मम्मी गोबर फैलाने का काम कर रही है, और मैं इधर ऊपर साइड जितना भी घास है 2-3 पुल दी तब तक घास की निकालूंगी। क्या ये देखो आगे मम्मी के मुंह में फिर से काट वाला अभी और बनी। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे घास भी निकाल दिया है, जितना भी यहाँ पे इस बिठे पे घास था, और साथ साथ में यहाँ पे मुझे पास्ता भी मिल गया। ये नोगली मोल, ये लोग ना गोबर खाते हैं, ये देखो कुदगल लग रही है, इनको हाथ में पकड़ने में ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा सा लगता है। ये देखो अभी मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो गई थी, फिर मैंने इनको नीचे डाल दिया। और आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो उकसा बोलते हैं। और मम्मी अभी लगी हुई है गोबर, नहीं गोबर तो मैंने इसमें थोड़ा कुछ मैंने बोया। ये करते क्या है मम्मी, गोबर को खराब करते हैं कि गोबर को ठीक करते हैं? ये क्या करते हैं, ये अनाज पे तो लग जाते हैं, उसका लगता है ना तब सूख जाता है अनाज दोस्तों। और जो गोबर होती है ना उसको ये बारीक करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे करते हैं गोबर को। हाँ, इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल बारीक हो रखा था गोबर, तो मम्मी ने अभी उधर साइड भी फैला दिया है और इधर साइड भी फैला दिया। पूरा तो हुआ नहीं खेत के लिए, बाद में लेके आएंगे हम लोग। और बाकी यहाँ पे घास भी निकल चुका है, थोड़ा सा और निकालेंगे उसके बाद चलेंगे घर। तो अभी यहाँ पे काम करते करते ना मम्मी और मेरी ऐसी बात चल रही थी मम्मी की लव स्टोरी को लेके, जो कि मम्मी ने हमको बचपन से ही बेवकूफ बनाया है और शायद से आप लोगों को भी बनाया है। एक बार मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, तो मम्मी ने वो झूठी कहानी आप लोगों को भी बता रखी है, तो आज मैं आप लोगों के सामने पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को भी कुछ टाइम पहले ही पता चला है। मम्मी पता है जब हम छोटे छोटे थे ना, उस टाइम पर हम ऐसे पूछते थे मम्मी को कि आपकी शादी कैसे हुई थी, कैसे पापा से मिले थे, तो मम्मी ने पता नहीं कैसे दिमाग लगाया, कैसे कैसे ये स्टोरी बनाई झूठी। मम्मी बोलती थी कि मैं सुमेरपुर से कोटेश्वर जाती थी मंदिर में, और तेरे पापा की समोसे की दुकान थी रुद्रप्रयाग में, और मैं हमेशा वहाँ पर समोसे खाने जाती थी, और वहीं से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई और उसके बाद हमारी शादी हुई। मम्मी इधर देखो, जरा खड़े उठो, क्यों बोला आपने हमारी जनता के साथ और हमारे साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया आपने? हैं? इतना झूठ कैसे बोला आपने? नहीं, नहीं,
अच्छा लगता है। नहीं पहले ही बता, कहीं ये सच तो नहीं है? सच नहीं, कंफ्यूज हो रहा है, ये सच है कि झूठ है? मेरे को सच सच नहीं है। पापा डांटेंगे कि समोसे रुपए भी नहीं दिए यार, झूठ भी बोल रहे हो। समोसे खाए थे ना मैंने। अब उधार क्या होगा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ समोसे खाए थे? पर समोसे तो खाए थे, होटल में खाते नहीं है समोसे। कि पापा के साथ खाए थे बैठ के? उस समय दोस्तों कहाँ, ये सब झूठ कहानी है दोस्तों। मम्मी ने इतना बेवकूफ बनाया हमें बचपन से, रहते तो मैं इनको जैसे रात पहले तो दोस्तों टीवी नहीं हुआ करता था। सही में टीवी नहीं होता था, मनोरंजन को कोई साधन नहीं थे, तो बच्चे मेरे को झूठी कहानी बनाओ है। हाँ तो मैं सोचती थी यार क्यों बोलूं, तो ऐसे झूठ मूठ में मैं इनको बोलती थी। मेरे पापा की दुकान थी, मैं वहाँ पे जाती थी, वो मुझे समोसे खिलाते थे। फिर उन्होंने मेरे को पूछा, फिर यहीं से हमारी कहानी प्यार की शुरू हुई। तो मैंने झूठ बोला क्योंकि पहले मनोरंजन नहीं था, इसी में मनोरंजन करते थे पहले लोग। जो गढ़वाली उनको पता होगा कहानी बोलते थे, जिसको हमारे गढ़वाली में कथा भी बोला जाता है, तो कथा बोलते थे पहले, बैठे रहते थे। अब तो एक दूसरे का मुंह देखना भी दुर्लभ हो गया दोस्तों, इसीलिए मैंने वो कहानी इन बच्चों को सुनाई थी कि ऐसे ऐसे। अरे पीछे पीछे मेरे को रात में लाइट चले जाती थी, तो उस टाइम पे इतना फोन का वो भी नहीं था, ट्रेंड भी नहीं था उस टाइम पे। फोन एक फोन हुआ करता था मम्मी के पास, छोटा वाला फोन, तो उसको तो कितना ही चलाते हम लोग। तो जैसे लाइट नहीं रहती थी, टीवी भी नहीं रहती थी, जब लाइट चले जाएगी तो टीवी तो कहाँ से ही देखेंगे। तो हम लोग ऐसी बातचीत करते रहते थे, कोई भूत की कहानी। लव मैरिज कहाँ से करते? एक तो दोस्तों हमको इतना डर था पहले के बच्चों को, बहुत डर रहता है। कहना क्या चाहते हो? मतलब पहले के बच्चों को बहुत डर रहता था, क्योंकि अगर हम किसी को चाहते भी हैं तो हम अपने माँ बाप के पास बोल नहीं पाते थे। हाँ। ना ये भी होता था, किसी को पसंद करते थे वो भी हमें पसंद करता है जैसे। तो था आपका कोई क्रश? नहीं नहीं। आपने क्यों निकाली ये बात? नहीं बोल रही हूँ मैं। अरे मम्मी अगर है भी तो अभी भी बोल सकते हो। अभी आप तो ये अच्छी। अरे कोई मीन जान कर ऐसी बात मत बोला करो ना। अरे मिलने जाएंगे ना कभी, क्या हो रहा है? क्यों जाएंगे अब? अरे मतलब पहले गई है मम्मी? नहीं नहीं। तो क्यों बोला आपने? ऐसी बात नहीं है बेटे, मैं ये बोल रही हूँ, उदाहरण बोल रही हूँ एक, कि पहले जैसे पहले हम थे तो हमारे पिताजी से हमारे भाई थे, हमारा बहुत बड़ा परिवार था दोस्तों। तो मेरे पिताजी जब चलते थे ना तो हमारी सारी चुप हो जाते थे हम सब, तेरे को भी पता होगा ना। हाँ, जब मेरे भाई मेरे मम्मी और वीडियो देखेंगे वो भी बोलेंगे सच में सही बात है ये। हाँ। क्योंकि हम अपने पिताजी से बहुत डरते थे, अपने भाइयों की भी इज्जत करते थे। अभी तक हमें अपनी इज्जत का डर है दोस्तों। हाँ। इज्जत से रहोगे तो अच्छा रहेगा, सही बात है। और ऐसे बेइज्जत होगे तो कोई इज्जत नहीं करेगा हमारी। अगर अभी नाना जी जिंदा होते ना तो मैं तो कसम से उनके सामने ब्लॉग बना ही नहीं पाती, मतलब इतना डर था। सही बात है। मेरे पापा भी रहते ना, मैं उनके पास बोल भी नहीं पाती इतना। तो यही है दोस्तों, पसंद पसंद तो छोड़ो, रहा भी होगा कभी किसी का। बोलो ना तो। अरे नहीं मैं अपनी बात नहीं बोल रही। आप बार बार बोल रहे हो कोई बात मोनिका। अरे मैं क्या नहीं बोल दूं? ये लड़की ना ऐसे चढ़ाती है मेरे को। सुनो सुनो मेरी बात सुनो मेरा। अगर कोई था भी क्रश तो उसकी तो मेरी बात सुनो पहले, उनकी भी शादी हो गई होगी, उनके बच्चे हो गए होंगे, मतलब सिर्फ मिलने जाएंगे ना कभी आसपास मिलने जाएंगे? किसको जाएंगे मिलने? नहीं कोई। पहले ये बता मेरे को, मम्मी सीरियस हो गई? नहीं सीरियस वाली बात नहीं है दोस्तों, पहले डर था इज्जत की थी। अब तो आपके बच्चे चाहे कोई भी, उनको ना डर है ना भय है, कहीं पर पसंद है तो फट बोल रहे। उदाहरण यहीं पर सामने खड़ा है दोस्तों। मैं ये बोलना चाहती हूँ, अच्छी बात है जो पसंद भी कर रहे हैं, अच्छी बात, पर हमको उतनी अकल कहाँ थी दोस्तों? अगर हम भी पसंद वाले होते ना बेटे तो आज मेरे हाथ भी इतने काले नहीं होते। क्यों? क्या क्या है इसमें हाथ? नहीं नहीं, मेरे हाथ में गोबर नहीं उठाती मैं भी आज, पता नहीं इस समय बाजार में पर्स लटका के पता नहीं कहाँ रहती। क्यों यहाँ खुश नहीं हो आप? यहाँ क्यों नहीं, यहाँ तो मैं बहुत खुश हूँ, पर एक बात बोल रही हूँ, हाथ काले गोरे होने से क्या मतलब? पसंद वाली बात जैसे आप बोल रहे हो ना, आपका था कोई, अगर हम पसंद वाले होते ना तो अपनी पसंद को वही बता देते, और भाग जब भाग भी जाते हैं। इसका मतलब मम्मी ने कोई अच्छी नौकरी वाला पसंद कर रखा था, तभी तो बोल रही मम्मी। इसीलिए मम्मी बोल रही मेरे हाथ अभी काले नहीं होने थे वाले, शायद रहा होगा कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर रहा होगा कोई ऑफिसर तो। अरे कोई बात नहीं है, जो भी हम लोग खुश हैं अपनी लाइफ में। बात नहीं, खुश हैं क्यों नहीं, मैं तो इतनी खुश नसीब हूँ दोस्तों, क्या बताऊं। पर ये मोनिका की मेरी ऐसी बातें चलती रहती है, इसको अपने दिल पे मत लगाना। जैसे ये बोल रही है पसंद वाली बातें, तो दोस्तों पहले के बच्चों को डर था, आपके बच्चों को किसी को डर नहीं है, अच्छी बात भी है। जो पसंद करते हैं पसंद करो, चाहे लड़की हो लड़का हो, एक को करो पसंद। ये नहीं कि कहीं कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये नहीं होना चाहिए। सही बात है। चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, चाहे मेरे बच्चे हो चाहे बाहर वाले हो, पसंद करो, प्यार करो, एक से करो। ये नहीं कि तुम्हारी लाइन लगा रखी है। प्यार करना ना मैंने अपने मम्मी पापा से ही सीखा है। तो मम्मी जब से मतलब हम थोड़ा अकल वाले हुए होंगे तो मम्मी हमेशा बोलती थी कि अगर पसंद करना है तो सिर्फ एक को करना, ऐसा नहीं कि बदनाम वाली छुई कर रहे हो आप लोग कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे। तो लेकिन मैं हमेशा अपनी मम्मी की बात को याद रखती थी। मैं बोलती थी इनको, बेटा पसंद करोगे तो एक को करना, नहीं तो मैं इनको तुमको ना फाड़ के अंदर ही डाल दूंगी। सही बात है, हमेशा बोलती थी हमेशा। हाँ तो बात कहाँ चल रही थी, कहाँ से कहाँ आ गई बात।
तो बात चल रही थी मम्मी और पापा की लव स्टोरी को लेके। तो मम्मी पहले ना जब लाइट नहीं रहती थी तो हम लोग ऐसे बैठे रहते थे कमरे में, तो हम मम्मी को बोलते थे कि भूत की कहानी सुनाओ, कुछ बताओ, पहले कैसे रहते थे तुम मायके में, ऐसा वैसा। तो फिर हम ऐसे भी पूछते होंगे कि शादी कैसे हुई, कैसे मिले पापा से, तो मम्मी ने झूठी झूठी कहानी बना दी। और बचपन से हमारे दिमाग में वही चल रहा है कि पापा मम्मी ऐसे ऐसे मिले, समोसे खाए, ये हुआ वो हुआ, जबकि समोसे खाए ही नहीं। शर्म तो खैर पापा अभी भी शर्माते ही हैं, लेकिन अब जब से मैं वीडियो बनाने लगी तो पापा थोड़ा खुल गए हैं। और बाकी बस यही बात मुझे आप लोगों को बतानी थी कि जिस भ्रम में मैं थी उसी भ्रम में आप लोग भी थे कि मम्मी और पापा की लव स्टोरी है, लव मैरिज है, लेकिन लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है मम्मी पापा की। तो फिलहाल अभी यहाँ पे काम निपटाते हैं और साथ साथ में व्लॉग को भी एंड करते हैं, क्योंकि आजकल ना मैं डेली व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, मतलब आज ही जैसे व्लॉग बना रही हूँ उसी को अपलोड कर रही हूँ। थोड़ा बिजी शेड्यूल हो रहा है और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं मेरे, तो इस वजह से मैं डेली व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कल से मैं प्रॉपर व्लॉग लाऊंगी और बाकी व्लॉग को करते हैं एंड, और यहीं पर मैं व्लॉग को अपलोड भी करूँगी। तो अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।